संदीप सेठी, जयलाल डोगरा, बैठे ना, चाय कॉफी कुछ? जी नहीं, वो मुझे एक्चुअली एक बंगला चाहिए था, छोटा सा। हो जाएगा सर, देखिए कितने सारे बंगले हैं, और भी दिखा दूँ ना आपको? नहीं, प्रॉपर्टी मैंने देख ली है, वो सेरी रोड पे मैंने आपका बोर्ड लगा हुआ देखा। सेरी रोड में? हाँ। आप कहीं ये पीली वाली बंगलों के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, यही जी सर, एक कोठी एक सन की बुढ़िया की है, उसका नाम गौरी राजवंश है, और इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कितना पुराना है। अब बताइए, 2 करोड़ मांग रही है इसकी, 2 करोड़, कोई 70-80 लाख दे दे वही बहुत है। आपको दूसरा दिखा दो, बहुत सारे मेरे पास। की हालत मैं सुधरवा लूंगा, इंजीनियर हूं। लेकिन सेट्टी साहब, 2 करोड़। मैं बात करता हूँ ना मिसेस राजवंश से। अरे सेट्टी साहब, कोई फायदा नहीं होगा, मैं जानता हूँ उस बुढ़िया को अच्छे से। आप कल मीटिंग फिक्स कराइए प्लीज। ठीक है, एज यू विश। आइए, संदीप सेठी जी। फोन किया था डोगरा ने। टूटी हुई है। घर देखने आए हो ना, तो देखो जी। अलमारी के अंदर घर नहीं है। वो सामान ओके। वो मेरे बेटे का रूम है, बंद रहता है। शरबत फ्रिज में रखा है, ठंडा होने में वक्त लगेगा। थैंक यू। लेकिन अगर मोर भाव किया तो पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो दरअसल डोगरा से बात हुई थी। डोगरा बेवकूफ है, हीरा जौहरी को दिखाया जाता है, किसी राह चलते को नहीं। बात तो सही है, काफी समझदार लगते हो। क्या करते हो? जी इंजीनियर हूँ। सिविल? जी। यहाँ कौन कौन रहेगा? जी मैं, मेरा एक डॉग है, एक नौकर। ये आपका घर परफेक्ट है मेरे लिए, पसंद आया मुझे। पसंद तो मुझे भी है, तभी तो सही दाम मांग रही हूँ। माफ कीजिएगा, सही तो नहीं है, कोठी बड़ी भी नहीं है आपकी। वैसे एक फ्लोर ऊपर और भी है, पर कोई बात नहीं, इसी दरवाजे से आए थे ना, जा सकते हो। अरे आप तो बुरा मान गई। पुश्तैनी कोठी है ये। मैं समझ सकता हूँ, फिर भी आप जाइए, जाइए आप। जी मैं तो कह रहा था कि फिर भी मुझे पसंद है, शांति है, सुकून है, मैं लेना चाहता हूं ये घर। हवा में बात तो नहीं कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं,
देखिए, अगर मेरी ऐसी खानदानी कोठी होती तो मैं भी तभी बेचता जब मुझे कोई मुंह मांगी कीमत देता। कैलकुलेटिव हो? मैं ये घर जल्द से जल्द खरीदना चाहता हूँ, इसकी डील जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, ताकि बारिश से पहले मेरे आदमी यहाँ मरम्मत कर सके। तो ठीक है, पेपर्स बनवा लो, पैसे दे दो और कोठी तुम्हारी। जी बिल्कुल। आपने कहा था ना कि वो ऊपर एक फ्लोर है, क्या मैं देख सकता हूँ अगर कुछ काम हुआ तो? क्यों नहीं, अब तो सारी बातें भी क्लियर हो गई हैं। तब तक मैं शरबत ले आती हूँ। थैंक यू। आप भी लीजिए ना। ये आपका बेटा है? हाँ। मैंने तो घर देखते ही तय कर लिया था कि बस ये घर मुझे लेना है, लेकिन आपकी तो यादें जुड़ी होंगी, आसान नहीं होगा आपके लिए। आसान तो कुछ भी नहीं होता। रोहित 9 साल का था जब उसके पिता चल बसे। बहुत मुश्किलों से मैंने रोहित को बड़ा किया। फिर पढ़ाई खत्म करके वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाते ही तुरंत उसने पैसे भेजने शुरू किए, लेकिन आता कभी नहीं था। फिर 3 साल बाद वो आया। जब वो आया तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। मैंने वो ब्रीफकेस उसके हाथ से लेना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। बताओ, अपने माँ का कोई सिरा हाथ झटकता है भला? ऐसा क्या था उस ब्रीफकेस में? क्या पता। दूसरे दिन उसने मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। मुझे वो काम खत्म करने में 2-3 घंटे लग गए। और मैं वापस आई तो मैंने सुना कि वो किसी से लड़ रहा था। और मैं दौड़ के मैंने दरवाजा खोला, देखा तो सामने का दरवाजा खुला था और रोहित जमीन पे पड़ा था। मैं रोहित के पास गई तो उसके सीने से खून निकलने लगा। उसने मेरे रोहित को मार डाला। किसने?
पुलिस ने बताया कि रोहित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 10 करोड़ की चोरी की थी। शायद उसी लालच में उसने रोहित को मार दिया। उस ब्रीफ केस में 10 करोड़ के हीरे थे। पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ ही रहा हूं, बता कैसे सकता हूं? जिस कोठी के कोई 70 लाख भी नहीं दे रहा था उसके कोई 2 करोड़ कैसे दे सकता है? मुझे पता था मेरे बेटे का कातिल एक ना एक दिन जरूर आएगा और मुझे इस कोठी की मुंह मांगी कीमत देगा।